दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज क्रिएशन। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो है बालेश्वर का पद्मावती एम्यूजियम वाटर पार्क का। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बालेश्वर में स्थित पद्मावती एम्यूजियम वाटर पार्क घुमा के दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत पार्क है और हाल ही में इस पार्क का उद्घाटन हुआ है, बस कुछ ही महीनों में। और इस पार्क का और भी थोड़ा सा कुछ काम है जो बाकी है, वो भी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको घुमा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि मेरी पत्नी, मेरी छोटा साला और मेरी सास ससुर और मेरी छोटी मौसी के साथ इस पार्क को घूमने में आज जा रहा हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ पद्मावती एम्यूजियम वाटर पार्क। हाँ दोस्तों, देखिए ये जो ऑटो ड्राइवर है, ये मेरा बचपन का फ्रेंड है और इसे भी मैं घुमा के दिखाऊंगा आज। तो दोस्तों, ये देखिए मैं उस पार्क का एंट्रेंस गेट है और इस गेट पे आप जाके अंदर टिकट काट सकते हैं। टिकट है पर पर्सन 50 रुपीज़। जैसे कि दोस्तों, ये पार्क अभी नया नया ओपन हुआ है, शायद कुछ ही महीने होंगे, 5 या 6 महीने। तो दोस्तों, यहाँ पर विजिटर का जो तादाद है बहुत काफ़ी है और यहाँ पर आप आके बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शांत वातावरण तो नहीं होगा क्योंकि बहुत भीड़ है। तो यहाँ पर देखिए, घोड़े की सवारी कर सकते हैं। काला घोड़े की सवारी आप अगर आप करेंगे तो 60 रुपीज़ लगेगा और अगर आप सफ़ेद घोड़े की सवारी करेंगे तो आपको 80 रुपीज़ लगेगा पर पर्सन। ये देखिए सफ़ेद घोड़ा कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों, चले मैं ले चलूँगा पार्क के सबसे आकर्षण प्लेस पर। यहाँ पर देखिए बुद्ध का एक मूर्ति है जो कि फाउंटेन है और यहाँ पर घास के आकार का एक जैसे मदर का मूर्ति है, उसका चाइल्ड को प्यार करते हुए मैंने यहाँ पर फोटो भी खींचा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है मेरे फैमिली, मैं अभी फैमिली फ़ोटो खींचूँगा। तो शाम का समय है, बहुत ही सुंदर समय है यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। ये फाउंटेन है, छोटा सा फाउंटेन, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे पौधे लगाए हैं जो कि ग्रीनरी है, बहुत सारा छोटा सा नदी है और हाँ, नदी के ऊपर 2 ब्रिज है, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको ले चलूँगा और एक आकर्षक प्लेस जहाँ पर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सभी तरह का यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। ये देखिए नाव, यहाँ पर आप झूल सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये चेयर, डांसिंग चेयर। फिर आप देख सकते हैं बच्चों के लिए उड़न कटोरा। फिर ये देख सकते हैं बहुत सारा काफ़ी एंजॉय करने के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ है। तो आप यहाँ पर जरूर आइए, अपने बच्चों को लाइए और अपने जो भी रिलेटिव है उनको लाइए, ये पार्क दिखाइए, क्योंकि बालेश्वर का ये सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव पार्क है। डोंट मिस दिस पार्क, प्लीज़ कम। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए वाटर पार्क मतलब स्विमिंग पूल के पास। अगर आप यहाँ पर तैरना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्सन 100 रुपीज़ टिकट पड़ेगा। मुझे देखिए, मैं यहाँ पर सेल्फी ले रहा हूँ। चाहता था तो मैं यहाँ पर नहाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपना कोई गामछा या कोई शॉर्ट पैंट नहीं लाया हूँ, इसलिए मैं नहीं नहाया, मैं तो घूमने लगा। देखिए मेरी फैमिली को, वो कैसे घूम रहे हैं, बहुत ही खुशी से। ये मेरा छोटा सा साला है, ये देखिए वो तो बहुत ही एंजॉय कर रहा है यहाँ पर, वो तो अकेला अकेला घूम रहा है। वाकई में दोस्त, अगर हम ये पार्क नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर देते। थैंक गॉड कि हम इस पार्क में आए और यहाँ पर आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अगर ये होता कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा ना होता तो काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है और घूमने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम अभी हम फोटो खींचेंगे इस लोकेशन पर।
तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको ले चलूंगा पार्क का उस साइड जहां पर आप बच्चे के लिए और बड़े के लिए फ्री एक्टिविटीज है, जहां पर आपका कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई भी बिल चुकता नहीं करना पड़ेगा, फ्री में आप वहां पर खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मुझे देखिए दोस्तों, मैं तो बच्चा बन गया, ये देखिए, वाह कितना मज़ा आ रहा है। साथ ही साथ अभी मेरे ससुर को देखिए, वो भी मेरे साथ बच्चा बन गया, ये देखिए डर गए शायद। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी ले चलूँगा पार्क का उस साइड, बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर आप रील बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और यहाँ पर एक डायनासोर का स्टैचू है, जहाँ पर कि ये मेरा फ्रेंड जा रहा है फोटो खींचने। ये मंदिर जो है आप इस मतलब यहाँ पर नहीं जा सकते, इस ये तो मंदिर का पिछला भाग है। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं, पार्क बाहर जाने के बाद मंदिर आप जा सकते हैं। ये जो पार्क का ओनर है, उसने ही इस मंदिर को बनाया। उस मंदिर जब प्रतिष्ठा हुआ तो पार्क भी उस दिन प्रतिष्ठा हुआ था। तो दोस्तों, अभी मैं ले चलूँगा पार्क का एक दूसरा साइड, एक बिल्डिंग से, वहाँ पर देखिए और बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन एक म्यूज़ियम जैसा लग रहा है, शायद यहाँ पर म्यूज़ियम बनेगा, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ रखी जाएंगी जो कि विजिटर दर्शकों के लिए अच्छा होगा, आकर्षण होगा। यहाँ पर देखिए मेरे ससुर और मेरा साला खड़ा है, जो कि फ़ोटो खींच रहा है इस स्टैचू के पास। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं ले चलूँगा पार्क फूड गार्डन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जामरुल का पेड़ है, और यहाँ पर अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, और ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है, बहुत सारे फ्रूट का यहाँ पर पेड़ आप देख सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम अभी ये पार्क घूम चुके हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में रहने के लिए। तो दोस्तों, जाते जाते बाहर से मैं मंदिर का वो दृश्य दिखा दूंगा आपका, अगर आप चाहे तो मंदिर जा सकते हैं, एक हिंदू टेम्पल है, आप चाहे तो जा सकते हैं, यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।